नमस्कार। अभी हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी हुई है। वहां पर संत रामपाल जी के भक्तों ने देहदान कर समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व में सबसे बड़े समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी के दो अनुयायियों ने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में देहदान कर समाज में अद्भुत मिसाल कायम कर दी है। जबलपुर के गौर इलाके की मीरा दासी का 12 जुलाई को सुबह देहांत हो गया था, जो कि पेशे से नर्स थी और संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी भी थी। 42 वर्षीय मीरा दासी की पूर्व में की गई इच्छा व उनके लड़के नीरज दास और परिवार की अनुमति अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एकत्रित होकर उनका देहदान किया गया। वहीं मानव एवं विश्व कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सुनील दास निवासी कारीपाथर जिला कटनी के 58 वर्षीय पिता बद्री दास का 13 जुलाई को जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में देहदान किया गया। ये देहदान मृतक बद्री दास व उनके परिजनों की स्वीकृति से पूर्ण हो सका। संत रामपाल जी महाराज जी की नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं पर चलकर उनके अनुयायियों द्वारा ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिससे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इस देहदान से बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा। देहदान के दौरान मेडिकल स्टाफ के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी उपस्थित रहे। मेडिकल स्टाफ की टीम ने इस महापरोपकारी कार्य की सराहना की और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया। मेडिकल स्टाफ की तरफ से बताया गया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बॉडी की आवश्यकता होती है, लेकिन बॉडी को डोनेट करने के लिए समाज में लोग जागरूक नहीं है, किंतु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर उनके अनुयायी देहदान करते रहते हैं, तथा उन्होंने बताया कि जितने भी देहदान होते हैं उनमें 90-100% बॉडी संत रामपाल जी महाराज की अनुयायियों की ही होती है,